अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं। भारतीय जनता पार्टी के काफी बड़े दिग्गजों और कामयाब नेता माने जाने वालों की टेंशन अब और बढ़ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस पर चल रहे मामले के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है और जल्द ही इस पर सुनवाई होकर गुनहगारों को सजा होने वाली है। केस में बड़े नेताओं का नाम शामिल है, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई काफी सालों बाद हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर दोबारा कार्यवाही करनी शुरू कर रहा है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को 16वीं सदी में बाबर ने निर्माण करवाया, लेकिन इसे 1994 में तोड़ दिया गया था। जिस वक्त यह मस्जिद तोड़ी जा रही थी उस समय बीजेपी के बड़े नेता स्टेज पर मौजूद थे। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, विष्णु हरिदलना और अन्य नेताओं को मिलाकर कुल 12 लोगों पर यह केस चल रहा था। इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा है कि मामले में अदालती कार्यवाही शुरू की जाएगी और जिन भी नेताओं का नाम शामिल है उन सभी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। आपको बता दें कि सीबीआई ने भी इस मामले की याचिका दर्ज करवाई है। इसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी बड़ा ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, तो देखना अब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद पर अपना क्या फैसला सुनाती है। क्या वहां वापस मस्जिद बनना चाहिए या फिर वहां राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए? क्या जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था उन पर भी कार्यवाही होना चाहिए? अपनी राय हमें कॉमेंट्स में जरूर दें।